कोरोना काल में ताजिया और गणपति का विसर्जन किसी भी कीमत पर बाहर नहीं होगा, लेकिन घरों में ताजिया रखने और आजादारी पर कोई प्रतिबंध नहीं। घरों में गणेश जी की पूजा अर्चना की रहेगी छूट। महामारी को ध्यान में रखकर शासन ने लिया फैसला। नए फैसले के तहत ताजिए का क्रय विक्रय अनुमान्य, घरों में ताजिए रखे जा सकेंगे तथा घरों में मजलिस आजादारी हो सकेगी। 28 अगस्त को गणपति विसर्जन व 30 अगस्त को ताजिया दफन करने का तय किया गया कार्यक्रम। ये चूंकि जो त्यौहार चल रहा है, उसी त्यौहार के मद्देनजर ये यहाँ पे बैठक की गई थी। जो सिया धर्म गुरु हैं और जो हजारा मोहल्ला के अन्य लोग थे, उनके साथ में बैठकर वार्ता की गई। जो भी गाइडलाइंस शासन द्वारा जारी किए गए हैं, उसके बारे में उनको बताया गया। तो यहाँ पर बैठकर ये तय हुआ है कि ये लोग घर घर जाएंगे, उसको बताएंगे, और मस्जिद से ऐलान भी कर रहे हैं ये लोग कि हमें एहतियात बरतना है, कोई भी सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक आयोजन कोई भी किसी तरीके से नहीं करेगा। अगर इसको करता है तो फिर उसकी जो मजलिस है, मजलिस का जो आयोजक होगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। अभी मजलिस में किसी के परमिशन की बात ही नहीं आई है। ये कहा गया जो भी आयोजन होगा वो घर के अंदर ही करना, घर से बाहर का कोई भी व्यक्ति किसी के घर में जाकर किसी भी तरीके के आयोजन में शामिल नहीं होगा। थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।